प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक्सरसाइज 8B से आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे 8C की ओर, और जिसमें आज हम लोगों को तीन तरह की लाइंस की इक्वेशंस को निकालना सीखना है। पहले हम बारी बारी से तीनों ही जो रिजल्ट्स हैं उनको समझेंगे और उनको कुछ एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे बच्चों। तो आइए ज़रा हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि रेखा का अंताखंड रूप में समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम ये बताएंगे आपको कि रेखा का अंताखंड रूप में जो समीकरण है वो क्या होता है। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होती है एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू वन। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसमें समझिए कि ए क्या है और बी क्या है। मान लीजिए हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये एक लाइन है, ठीक। और ये जो लाइन है ये एक्स अक्ष को ए बिंदु पर काट रही है जिसके कोऑर्डिनेट है ए जीरो, और ये वाई अक्ष को बी बिंदु पर काट रही है जिसके कोऑर्डिनेट है जीरो बी। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो है ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो है बी। तो ये जो लंबाई है स्टूडेंट्स जो कि एक्स अक्ष पर है, तो ये जो रेखा है जो कि एक्स अक्ष को ए बिंदु पे काट रही थी, तो बिंदु ओ से लेके ए तक की जो दूरी है वो ए है। ये है एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ओके, मतलब कि इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतःखंड, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। और ये है बी, ये है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, यानी वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड। अब जब हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाइयां दी हुई होती हैं, तो हमारी जो रेखा का समीकरण है वो होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, मतलब इसके इक्वल्स टू में वन होता है हमेशा। और उस स्थिति में जब राइट हैंड साइड में वन हो जाता है तो उस स्थिति में x के बटे में जो होता है वो x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड होता है, और y के डिवाइड में जो होता है वो y एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड या इंटरसेप्ट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, शॉर्ट में स्टूडेंट्स हम चाहें तो इसका डेरिवेशन भी देख सकते हैं कि इसका ये जो फॉर्मूला है ये बना कैसे है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि हमारे पास में ये कोई बिंदु है रेखा पर, और हमने ये पॉइंट मिला दिया इससे, ठीक है ना। दिस इज अ पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये होगी वाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो होगी एक्स। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे मैं पूछूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ, तो आप कहेंगे कि सर इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी बी या पी ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ ए। मतलब इस पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है इन दो छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के। आप जरा देखिएगा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 लंब गुणा आधार। तो लंब और आधार कितना है, ए है और बी है, इज इक्वल्स टू। अब इस छोटे पी ओ बी का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये रहा लंब बच्चों और ये रहा आधार, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स बी प्लस, और इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ए इंटू वाई। तो तीनों में देखिए 1/2 है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके इस तरफ से, और ये हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू एक्स बी प्लस ए वाई। अब दोनों ओर ए बी से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए एंड वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन बी। तो इस तरह से बच्चों ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, मतलब ये फॉर्मूला बना कैसे ये हम लोगों ने समझा। अब आइए जरा इस अंतःखंड रूप में जो रेखा का समीकरण होता है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को समझते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे एक जो सामान्य क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मान लीजिए आपको एक रेखा का समीकरण दे दिया है, ये दे दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12।
और आपसे कहा कि अगर ये रेखा का समीकरण है तो बताइए कि ये जो रेखा है ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर कितनी लंबाई का अंतःखंड बनाती है। ये प्रश्न अगर पूछा जाए, मतलब कि फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट्स कट्स बाय द लाइन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर इस रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंडों की लंबाई। तो कभी भी अंतःखंडों की लंबाई ज्ञात करने को आए आपको, तो आप हमेशा उस समीकरण को इस रूप में बदल दीजिए। तो इस रूप में कैसे बदलते हैं, बहुत आसान है। इज इक्वल टू में हमेशा क्या होना चाहिए, 1। तो दोनों ओर 12 से भाग दे दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2x/12 + 3y/12 = 1। यानी कि ये बन जाएगा x/6 + y/4 = 1। अब जरा दोनों से तुलना करिए, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर कि a यानी कि एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, तो एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड की लंबाई कितनी है, 6। और बी यानी कि वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड की लंबाई कितनी है, 4। खत्म क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी। ठीक, तो यानी कि अगर किसी भी सामान्य रेखा के समीकरण से अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाई ज्ञात करनी हो तो उसे अंतःखंड रूप में बदल दीजिए और ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए आपसे कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 5-3 एंड कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन बोथ एक्सिस, मतलब कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो बिंदु 5-3 से जाती है और दोनों ही अक्षों पर समान लंबाई का अंतःखंड काटती है या इंटरसेप्ट कट करती है। तो जब भी समान अंतःखंड की बात होगी, मतलब कि a बराबर b बोल रहा है वो, तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या करेंगे कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लेंगे आप, x/a + y/a = 1। क्यों लेंगे आप, सोचिए जरा, वो इसलिए क्योंकि a बराबर b कहा है उसने, क्योंकि वो दोनों ही अक्षों पर समान लंबाई का अंतःखंड काट रही है, तो a बराबर b हो जाएगा। तो ये आ गया आपका उस रेखा का समीकरण जो समान लंबाई का अंतःखंड काटती है, लेकिन ये आंसर इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें a की वैल्यू आपको नहीं पता है अभी। तो अब हमने तो ये माना है, अब ये जो रेखा है जिसको हमने ये माना है ये इस बिंदु से भी होकर जा रही है, तो आइए जरा हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x + y = a। अब क्योंकि आप चाहो तो लिख सकते हो बिकॉज लाइन 1 पासिंग थ्रू पॉइंट 5-3 5-3 से जाती है तो उसको संतुष्ट भी करेगी, तो देयरफोर व्हाट बच्चों, 5 + -3 = a। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा बच्चों 2, तो a बराबर 2। सो इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, अंदाजा लगाइए, x + y = 2। ठीक, x + y = 2, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। और कभी कभी आपसे सिंपली ऐसा भी कह सकता है वो कि एक रेखा है वो एक्स अक्ष पर 5 लंबाई का अंतःखंड काटती है, यानी कि a बराबर 5 है, और वाई अक्ष पर 3 लंबाई का अंतःखंड काटती है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो आप सिंपली क्या करेंगे, x/5 + y/3 = 1, यानी कि 3x + 5y = 15, ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये तीनों वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं।
ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस के साथ में इस टॉपिक को हम लोग फिर अब आगे एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्कशन हमने किया कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको अंतःखंड वाले जो टॉपिक है उससे मिल सकते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर उस रेखा का समीकरण ज्ञात करा जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर अंतःखंड काट रही थी और उनकी लंबाइयां हमें दी हुई थी। हम जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।